आपकी शूटिंग थी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस रही आधे दिन का भी आपके साथ? मेरा बहू हमारी रजनीकांत में पहला और आखिरी दिन था आज, और आज शो का लास्ट एपिसोड है। तो आमिर जाफ़र जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शो के प्रोड्यूसर हैं, तो उन्हें ऐसे मुझे एक बार फ़ोन किया, बोला कि लास्ट एपिसोड है, एक रोबोट आएगा, वो रजनी को लेके जाएगा, तो तू करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं यार, कर लो, इसमें क्या है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आपके पुराने दोस्त से भी आपकी मुलाकात हो गई, शान, राकेश से, तो कैसा? बिल्कुल, राकेश से मिलकर बहुत अच्छा लगता है हमेशा। मैं तो ऑब्वियसली वी आर इन टच, हम मिलते रहते हैं। राकेश के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, जब मैं बॉम्बे में आया था तब से हमने बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ एक साथ किए थे। हर एक दो महीने के बाद हम स्विट्ज़रलैंड चले जाते थे म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए, तब हम अनुभव सिन्हा म्यूज़िक वीडियोज़ बनाया करते थे। तो इज़ ऑलवेज गुड मीटिंग है। जैसे लास्टली पूछना चाहूँगी, लास्ट में पूरे शो की हीरोइन को आप ही लेके जा रहे हो करके, तो मतलब क्या था इसी रोबोट की दुनिया में जाने का? रोबो की वर्ल्ड में जो लोग हैं, उनको लगता है कि जितने भी रोबोट्स हैं वो रोबो के वर्ल्ड में होने चाहिए, यहाँ पे नहीं, तो इसलिए मैं लेके जाऊँगा। थैंक यू। रजनी को आखिर ले गया एक और रोबोट होने लेके, तो क्या सीन के बारे में? इकबाल आया था, इकबाल और मैं बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत पहले काम कर चुके हैं, तो आई थिंक वी हैव मेट आफ्टर लाइक 15 इयर्स नाउ। मेट मतलब काम किया एक दूसरे के साथ। सो मैं खुश हूँ कि रजनी, इकबाल आके रजनी को ले गया, दूसरा कोई और नहीं। पर हाँ, मतलब अभी सीन कल्मिनेशन, अभी ओपन एंडिंग रखी है शो में कि रजनी चली गई है, ऐसा नहीं कि रजनी को डिसमेंटल किया गया है, व्हाटएवर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आगे। वो बहुत ही अच्छा, मतलब एवरीबडी, आई लव एवरीबडी आउट हियर। इतने खूबसूरत, अंदर बाहर से दोनों मतलब सो सच ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड आउट, एंड I can't put it in words. The feeling is too personal, you know. Like मैं describe ही नहीं कर पाता ये feeling को। जब कोई पूछता है कि कैसा रहा, एक family की तरह आप एक माँ की का प्यार या एक पिता का प्यार या भाई बहन का प्यार describe नहीं कर सकते कभी। I think it's the same way out here. So yeah, I won't miss that. So अगर राकेश और किसी से एक साथ काम करने का मौका मिले तो किसी और से? Why not? Definitely. There's I never say no to any kind of work with anybody. So and already bonding हो चुकी है, तो मज़ा आएगा अगर ऐसा कोई शो आ गया तो। व्यूअर्स के लिए यही कहूँगा कि यू बीन स्पेशल ऑलवेज इन माई हार्ट, एंड हमेशा आपने मुझे इतना प्यार दिया है। नए कैरेक्टर जो मेरा किरदार है उसमें मुझे शान के रोल में एक्सेप्ट किया, उतना ही प्यार दिया जितना शान पुराने शान को, करण को दिया था। And I'm blessed to have such people, such fans or friends, I can say, in my life. And I want to live up to your expectations in the future also. और मैं दुआ करता हूँ कि आपका प्यार कभी कम ना हो। हम सब लोग आज अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे, अलग अलग मंजिलें होंगी हमारी, पर प्यार कभी कम ना हो, यही मैं दुआ करूँगा। और I hope you guys keep loving us and we give you in return the love back by entertaining you guys. So thank you so much. Thank you. Thank you.